ओके गाइस, सही टाइम पे मैंने अपनी मास की पावर का यूज़ किया और इवेलिन कुछ भी नहीं कर पाई। अब तो वो सच में कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैंने हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले इवेलिन और आज की गेम प्ले में फाइनली हम मास्क का यूज़ करेंगे। जो मास्क हमने पिछले एपिसोड में बनाया था 6 मास्क के पीसेस को कलेक्ट करके और डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करके, तो फाइनली हमारा मास्क रेडी हो चुका है। और उस मास्क का यूज़ करके हमें इविलन के स्कूल में जितने भी बच्चे किडनैप हुए हैं उनको रेस्क्यू करवाने में करना है। तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो गेम को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो और आपको मेरी गेम प्लेस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, और गाइस प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो गेम को शुरू कर लेते हैं। ओके, गेम को प्ले कर लेते हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा की तरह नॉर्मल पे। तो गेम अपना हो चुका है शुरू। मैंने इंट्रो कर दिया था स्किप, क्योंकि बार बार देखने का कोई भी मतलब नहीं है। और वापस से हमारा गेम वहीं से शुरू हो चुका है जहां पर हमें बोर्ड पर लिखाया जाता है आई हैव टू बी गुड। ओके गाइस, थोड़ा यहाँ पर साउंड कर लेते हैं और इविलन को यहाँ पे बुला लेते हैं। जैसे वो नीचे आएगी मैं ऊपर के फ्लोर पर चले जाऊँगा ग्रेल को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब मुझे ग्रेल का यूज़ आखिरी बार करना है। आखिरी बार, उसके बाद अपना मास्क हो जाएगा एक्टिवेट और उसका यूज़ करके हम यहाँ फंसे सारे बच्चों को रेस्क्यू करवाने में करेंगे। फिलहाल तो इविलन आज के रूम में। ओके, ग्रेल मुझे पता है ऊपर के फ्लोर पर ही मिलेगी, ग्राउंड फ्लोर पर बहुत कम होती है ग्रेल। ज़्यादातर किचन में ग्रेल मुझे मिलती है, कई बार मैक्सिमम टाइम मुझे ग्रेल किचन में ही मिली है। लेकिन उससे पहले मुझे एक्स्ट्रा लॉक्स को अनलॉक करना होगा और उसके लिए मुझे स्मॉल केबल चाहिए। ओके, पहले यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर ग्रेल नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर ग्रेल होती है वहाँ पर साउंड होता है एक अजीब सा, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर ग्रेल है। लेकिन यहाँ पर तो ग्रेल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर येलो की है, लेकिन येलो की मेरे को नहीं चाहिए। स्मॉल केबल मेरे को यहाँ से मिल चुकी है, ओके ये अच्छी बात है। और कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ग्रेल भी यहाँ पर नहीं है। ओके गाइस, इविलन पहुँच चुकी है यहाँ पर। मुझे पता था वो ज़रूर यहाँ पर आएगी, क्योंकि जहाँ पर साउंड हो और वहाँ पर इविलन ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पैनल में मैंने स्मॉल केबल लगा दिया। अब मुझे नीचे एक गेट है, उसका बटन प्रेस करना है और सारे लॉक्स अपने आप ही हट जाएंगे। ओके, अब मुझे ग्रेल को ढूंढना है। वैसे मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया था। गाइस, वापस से मैं आ चुका हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। ग्रेल यहीं पे मिलती है और देखो ग्रेल मुझे वापस से यहीं पे मिली। इस फ्लोर पर ग्रेल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 90%। ओके, सही, वो मेरा ध्यान था, वो अचानक से बिल्कुल सामने आ गई भाई। तो गाइस, ग्रेल को लेकर आ चुका हूँ मैं वापस सीक्रेट रूम में, और मुझे ग्रेल इसमें लाकर रखनी है। मैंने रख दी और अब एक मैजिक होगा जो आप देखोगे। और गाइस ये देखो क्या मैजिक हुआ, यहाँ पर हुआ नहीं है लेकिन अब होगा। ओके, मास्क हो चुका है कंप्लीट। ये मास्क के 6 के 6 पीसेस अब जुड़ जाएंगे आपस में। पहले वो जुड़े नहीं थे लेकिन अब वो जुड़ जाएंगे। और ओ भाई, ये देखो यहाँ पर एक होल। तो गाइस, अपना मास्क इतना बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पर एक पेंटिंग है, वैसे इसको मैं बाद ही में पढ़ लूँगा। तो गाइस, मैं अपना मास्क उठाता हूँ और मैंने अपना मास्क पहन लिया है। और अब मुझे यहाँ से जाना है एक बहुत सीक्रेट जगह पर। ये देखो यहाँ नीचे एक बच्चा सोया हुआ है। अरे, इसको सोने की परमिशन किसने दी? इविलन तो दिन भर काम कराती है बच्चों से, ये बहुत आलसी बच्चा है शायद। ओके गाइस, इन बातों को छोड़ो। तो मैं ये जिस जगह पर आया हूँ, ये जगह है लॉन्ड्री। ये देखो यहाँ पर सारे बच्चों ने वो सेम मास्क पहना हुआ है और सब के सब काम कर रहे हैं। कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वैसे तो सारे कपड़े ही धो रहे हैं। और ये धुले हुए कपड़ों को यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर सामने एक एलिवेटर है, शायद उसमें वो कपड़े रखकर ऊपर भेज देता है। लेकिन यहाँ पर इविलन, ओके, इसने मेरे को पहचाना इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है।
ये अच्छा है। तो गाइस ये देखो, ये बच्चे यहाँ से उठाते हैं कपड़ों को, गंदे कपड़ों को, उनको धोते हैं, फिर वापस यहीं पे रख देते हैं इस एलिवेटर में। और फिर वहाँ से जो दूसरी लॉन्ड्री वाली नन है वो उन कपड़ों को ले जाती है, और यहाँ पर टॉयलेट में एक लड़की है, एक बच्ची है, ये रो रही है भाई, उसकी तो कितनी गंदी हालत हो रखी है। एक बार ध्यान से देखो, इसके हाथ पैर तो इसके ठीक है, लेकिन दोनों हाथ और गर्दन इसके पूरी तरह से टेढ़े हो चुके हैं भाई। इविल नन ने, मुझे लगता है कि इनको बहुत मारा होगा, क्योंकि सारे बच्चों की हालत बहुत ख़राब लग रही है, मेरे को बहुत थके हुए लग रहे हैं। इनको खाना मिलता भी होगा कि नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ। वैसे नहीं मिलता होगा क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था। ओके, ये लड़की यहाँ पर बैठ चुकी है, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ से मुझे मिला है कोड 6334। ओके, और ये कोड मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे कहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो गाइस इस कोड को मुझे यहाँ पर डालना है, 6334। लॉन्ड्री का जो गेट है अब ये ओपन हो जाएगा। चलो अच्छा है, अब मुझे आने जाने में थोड़ी आसानी होगी, अब मैं इजीली लॉन्ड्री में आ सकता हूँ और वापस जा सकता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर एक और सीक्रेट सी जगह है, और गाइस ये देखो, क्राफ्टर बॉय। ओके, ये वो वाली एलिवेटर है जहाँ से मैं सामान नीचे भेजता था, और ये क्राफ्टर बॉय कुछ ना कुछ मेरे को बना के देता था। इसने मेरी बहुत हेल्प किया मास्क बनाने में। द चाइल्ड इज़ द वन हु हैज़ क्रिएटेड ऑल द वेपन्स फॉर यू, मे बी ही कैन हेल्प यू। ओके, वैसे इसने बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत तेज बंदा है। मुझे लगता है बाकियों का दिमाग तो हिप्नोटाइज हो रखा है, लेकिन ये बंदा पूरी तरह से हिप्नोटाइज नहीं है, तो ये मेरी कुछ हेल्प कर सकता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कई सारे काम करने हैं। इधर तो कोई भी नहीं है, यहाँ से मैं बंच ऑफ कीज उठा लेता हूँ। अबे यार ये गलत सीन हो गया, कोई बात नहीं, मुझे एविल नन को थोड़ा सा कंफ्यूज करना होगा, पहले मैं उसको यहाँ पे बुला लेता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर ये देखो, एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर कोई बंदा है। ये कह रहा है कि काम शुरू करने से पहले ये मेक श्योर कर लो कि जो वैन है, जिसमें लॉन्ड्री वाली वैन होती है ना, वो स्कूल के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो मैं आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ पर मुझे कुछ ज़रूरी आइटम मिल जाए। वैसे तो मैं लॉकर कोड ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिला नहीं, फाइनली मेरे को यहाँ से मिल गया। किस्मत मेरी आज सच में अच्छी है, मैंने पहले ये वाला रूम चेक करने का सोचा था और मुझे यहीं पे लॉकर कोड मिला। तो गाइस लॉकर कोड तो मेरे को मिल चुका है, और उस लॉकर कोड को मुझे इस एलमिरा में, इस लॉकर में डालना होता है, और यहाँ से मुझे मिल चुके हैं सीज़र। ओके, और सीज़र का यूज़ मुझे करना है बाहर पे। तो आपको मैं बाहर, और लॉन्ड्री वाली जो नन है ये मेरे को देख के डर चुकी है, कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने डोर बेल का जो ये वायर थे इसको कट कर लिया है। अब लॉन्ड्री वाली नन को नहीं पता चलेगा कि कपड़े धुले हैं कि नहीं, मतलब वो सोई रहेगी, अब वो आपको आगे पता चलेगा। ओके, तो मैं क्रोबार लेकर आ चुका हूँ लॉन्ड्री में, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को चाहिए होंगी। फ्यूल टैंक है वो, और वो मुझे मिलेंगे यहाँ से। मुझे सबसे पहले प्लैंक को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर पड़े हुए हैं दो फ्यूल टैंक, और इनकी हेल्प से हम करेंगे बलून स्केप। तो गाइस मैं यहाँ से भी इस प्लैंक को हटा देता हूँ, तभी मुझे पता चलेगा कि लॉन्ड्री वाली नन आई है या नहीं। वैसे तो वो आ चुकी है, मैंने उसको देख लिया, लेकिन मुझे अभी इविल नन से थोड़ा डर लग। तो मैं आ चुका हूँ वापस यहाँ पर, आर यू रेडी, कम कम इन हियर। ओके ओके गाइस, यहाँ पर एक बंदा है, मिस्टीरियस मैन, तो मुझे इससे बात करनी है। ओके, तो ये टाइम है सारे बच्चों को लॉन्ड्री से बचाने का, और ये कह रहा है आई होप यू आर रेडी, टेक द ब्लू प्रिंट्स फ्रॉम माई टेबल एंड गिव देम टू अ चाइल्ड दैट नोट्स हाउ टू इंटरप्ट देम, द चाइल्ड विल नो वट टू डू, एयर ट्रांसपोर्ट। ये कुछ ब्लूप्रिंट्स मेरे को इस मिस्टीरियस मैन ने दिए हैं, और ये मुझे मास की कुछ सुपर पावर्स बता रहा है। वैसे तो मुझे पता है,
कि क्या वो सुपर पावर है। तो गाइस मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तो अभी आप ये मैजिक देखना। वेट वेट, ये देखो ये देखो, देखा गाइस मैं कैसे ट्रांसपोर्ट होके कितने जल्दी यहाँ पर आ गया। तो मैं ब्लूप्रिंट्स को लेकर आ चुका हूँ क्राफ्टर बॉय के पास, और यहाँ पर ये बनाएगा वो जरूरी सामान जिससे हम स्केप करने वाले हैं। ओके, ये तो बाहर जा चुका है, मैं अब इसके पीछे चलता हूँ। और ये सारे बच्चों को देखो कमांडे दे रहा है और लॉन्ड्री से बाहर निकलने के लिए, अच्छी बात है। तो गाइस सारे बच्चे तो लॉन्ड्री से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन एक लड़की रह चुकी है, मतलब ये बच्ची, इसको पता नहीं क्या हो चुका है, इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है। अरे भाई वहाँ कहाँ जा रही है तू, यहाँ नहीं जाना तेरे को, सीधा ऊपर चल ऊपर। भाई इसको ले जाना एक अलग ही आफत है, जल्दी चल जल्दी चल, कहीं इविल नन ना आ जाए। फिलहाल तो वो नहीं आ रखी, नहीं आई है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, वो ऊपर कहीं घूम रही है। वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, वो कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये लड़की जल्द से जल्द दूसरी ओर चले जाए तो अच्छा रहेगा। तो गाइस ये देखो रास्ते पे ये वैन लगाने का काम उस मिस्टीरियस मैन ने किया है, ताकि इविलन यहाँ ना आ पाए, और वो आ रहा है। ओके, वो वैन में बैठेगा, वैन को पीछे करेगा, फिर मैं इस लड़की को दूसरी साइड भेज दूंगा, और फिर मैं बाकी अपने ज़रूरी काम कर लूँगा, फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओ गाइस सामने आप देख सकते हो कितना बड़ा बलून ये बच्चे बना रहे हैं, मतलब सच में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा टैलेंटेड ये क्राफ्टर बॉय है, उसने ही सिखाया होगा इन बच्चों को। ओके, तो गाइस इसको तो मैंने इधर भेज दिया है, अब मुझे मेरे इम्पोर्टेंट काम करना, मुझे इस तरह से यहाँ पर आना था। तो मैं इन फ्यूल टैंक्स को लेकर चलता हूँ अपने एयर बलून के पास, मुझे फटाफट अपना काम करना पड़ेगा। इविलन यहाँ पर आ चुकी है भाई, ओ भाई भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा। वैसे मैंने एक फ्यूल टैंक पहले यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, और मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड। ओके, अपने मास्क की पावर का यूज़ कर लेता हूँ मैं, अच्छा रहेगा, यही तो टाइम है जब मास्क की पावर का यूज़ करूँगा। मुझे ये फ्यूल टैंक यहाँ पे लगाना है। ओके, एक तो मैंने लगा दिया, अब मुझे एक और लगाना है। अरे देखो बच्चे, सारे बच्चे शायद थक चुके हैं इस बलून को बनाते बनाते, इसमें हवा भरते भरते, पता नहीं इनका क्या सीन है। तो मुझे दूसरी साइड चलना चाहिए। ओ गॉइस इविलन वहीं पे है, उसने मेरे को देखा नहीं, अब देखा उसने, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये बहुत परेशान करेगी। और तो मुझे फटाफट से अपना काम करना है। एक और फ्यूल टैंक जो मैंने पहले यहाँ पर लाकर ड्रॉप किया था, इस फ्यूल टैंक के साथ भी मैं आ चुका हूँ अपने एयर बलून के पास, और मुझे इस फ्यूल टैंक को लगा देना है यहाँ पर। ओके, यू नीड टू ब्रिंग द फायर टू स्टार्ट इट, इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे फायर चाहिए, और मुझे पता है मुझे फायर कहाँ से मिलेगी, इस रूम से। यहाँ पर स्टिक है, मुझे इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है, और इससे पहले कि ये पूरी तरह से जल जाए, मुझे फटाफट एयर बलून के पास पहुँचना होगा। ओके गाइस, सही टाइम पे मैंने अपनी मास्क की पावर का यूज़ किया, और इविलन कुछ भी नहीं कर पाई। अब तो वो सच में कुछ भी नहीं कर पाएगी, मैंने फायर से स्टार्ट कर दिया अपने एयर बलून को, और ये सीधा होने लग गया है। ओके गाइस, ये पूरी तरह से सीधा हो चुका है। ओके, अब ये सारे बच्चे जाएंगे उसमें बैठेंगे, और हम भी उसमें बैठेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे एयर बलून स्केप। फिलहाल तो मुझे इस बच्ची को लेकर जाना पड़ेगा उस एयर बलून के पास। ये देखो गाइस कितना शानदार लग रहा है, कितना बड़ा है। फाइनली हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ से स्केप करने वाले हैं। फिलहाल तो यार इस बच्ची को मतलब कैसे ले जाऊँ मैं, इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी भलाई के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं, अरे इन बच्चों ने सामने इतना जाम क्यों लगा दिया। अरे यार मुझे देखना पड़ेगा, वेट। अरे यार ये मतलब इनका दिमाग पूरी तरह से ऑफ है, डोर भी इन्होंने ओपन नहीं किया, और ऐसे ही लगे पड़े हैं मतलब। अरे सामने मिस्टीरियस मैन काउंट कर रहा है सारे बच्चों को। ओके, ये बंदा
क्राफ्टर बॉय। अरे भाई चलो, ये चल क्यों नहीं रहा है? इसने इतना दिमाग लगा लिया कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। नहीं, ऐसे नहीं है। फाइनली सारे के सारे हम बैठ चुके हैं इस एयर बलून के अंदर, और कुछ ही देर में हम यहाँ से स्केप कर लेंगे। वैसे तो स्केप हो ही चुका है। ये देखो बेचारी विलन, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से हम स्केप करेंगे, वो भी सारे बच्चों के साथ। बेचारी अब उस रूम में जा रही है जहाँ पर मैंने मिनी गेम खेला था, मतलब द मिनी गेम रूम, वहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था। और अब ये विलन मुंह फुला के बैठ चुकी है, और ये रहा मिस्टीरियस मैन। ओके, मेरा नाम अपने आप उस रूम से गायब हो चुका है, और इस लड़की की मुंडी बाहर आई हुई है। भाई मुंडी तो अंदर कर ले। ओके गाइस, दूसरे रूम से भी मेरा नाम अपने आप गायब हो चुका है। तो इसका मतलब, एक मिनट, यहाँ बोल्ट से भी मेरा नाम गायब हो चुका है। मेरा नाम नहीं, मतलब जो मैंने लिखा था आई हैव टू बी गुड, वो सब कुछ अपने आप ही मिट चुका है। और इसी के साथ गेम का होता है दी एंड। लेकिन वेट अ मिनट गाइस, अब इस गेम का दी एंड नहीं हुआ। अभी इस गेम में एक और स्केप है जिसे हम नेक्स्ट गेम प्ले में करने वाले हैं। तो आप मुझे बताना कि ये वाली गेम प्ले आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे सीधे अगली गेम प्ले वीडियो में। बाय।